अंबाला शहर में दिन दहाड़े हुई गैंगवार के एक आरोपी को पकड़ने में अंबाला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में दो लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद अंबाला पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी, जिसमें अब अंबाला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। गत दिनों पहले अंबाला शहर के कालका चौक पर दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। बता दें कि दिन दहाड़े एक कार पर कुछ लोगों ने गोलियों की बरसात कर दी थी, जिसमें कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। अंबाला में दिन दहाड़े हुई इस गोलीकांड में हैरानी की बात तो ये रही कि जिस जगह बदमाशों ने 20 से 25 राउंड फायर किए थे, उस जगह से महज 10 मीटर की दूरी पर ही पुलिस तैनात थी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद अंबाला पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि अंबाला पुलिस ने पंचकुला से एक राकेश नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो भूपी राणा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। वहीं डीएसपी सुल्तान सिंह ने बताया कि जिस दौरान वारदात हुई तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो लोग गोलियां चला रहे थे और एक युवक गाड़ी में था। इस मामले के पीछे किसका हाथ है, ये जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों ने जो गाड़ी नंबर बताया था, उसके आधार पर पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि जो गाड़ी पर नंबर लगा हुआ था वो भी गलत नंबर किसी और गाड़ी का था, और पुलिस ने जांच में पाया कि ये गाड़ी किसी के घर पर खड़ी मिली। सर, कालका चौक पर 25 तारीख को जो गोलीकांड हुआ था, उसमें दो लोगों की हत्या हुई थी, उस मामले में पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया और कौन सी गैंग से संबंध उसका? ये राकेश पंचकुला से है जिसको इसमें अरेस्ट किया गया है, और ये लगभग से जो उसके अब तक जो सामने फैक्ट्स आए हैं यही आए हैं कि ये जो है भूपी राणा के साथ इसका संपर्क हुआ था और उसी गैंग का इसको अभी तक मानना जा रहा है। हमने उसको अरेस्ट किया है और 4 दिन के वो रिमांड पर है। अभी आगे भी जो पूछताछ में आएगा, जो भी फैक्ट सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। सर, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि कितने लोग इस मामले में शामिल तो हाँ, वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने यही बताया था कि दो आदमी थे, जैसे मौके पे तो यही था कि गाड़ी में तो एक आदमी नज़र आया, दो मौके पे फायरिंग करते हुए नज़र आए हैं जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। इसके बाद इन किस किस का हाथ है पीछे, उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। सर, गाड़ी भी बरामद की गई है? नहीं, अभी जो गाड़ी थी जिस गाड़ी का नंबर आया था वो एक्चुअल में गलत नंबर, उस पर रॉन्ग नंबर ही मिला है, क्योंकि वो गाड़ी जो नंबर जिस पे हम पहुंचे वो अलग किसी आदमी के पास खड़ी घर पे मिली है, उस गाड़ी को इसलिए उसने रॉन्ग नंबर लगाया था। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।